हाँ बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेकंड जब डिस्कस किए थे तो सेकंड चैप्टर में कल जो वीडियोस पढ़े थे जिसमें कुछ अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस किए थे, फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म था कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग आपने डिस्कस किया था कैश एंड काइंड इन्वेस्टेड बाय प्रोप्रेटर इनटू बिजनेस। एक प्रोप्रेटर बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो कैश में हो या वो काइंड में हो, तो ये जो सारा इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल होता है। और फिर आपने नोट किया था उसमें कैपिटल इज ट्रीटेड एज इंटरनल लायबिलिटीज। कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटीज, क्योंकि सारा पैसा ओनर को प्रोप्रेटर को देना होता है, इसलिए इंटरनल लायबिलिटीज होता है। सेकंड अकाउंटिंग टर्म आया था ड्रॉइंग्स, कैश एंड काइंड्स या कैश एंड गुड्स टेकन बाय प्रोप्रेटर फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोप्रेटर अपने पर्सनल यूज के लिए, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो कैश ले रहा है, जो गुड्स ले रहा है, ये अपना में ड्रॉइंग्स आएगा। तो कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ड्रॉइंग्स का मतलब वो विड्रॉल कर रहा है, तो ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल। थर्ड अकाउंटिंग टर्म आया था हमारा लायबिलिटीज, यानी बिजनेस में जितना भी सारा पेबल्स होता, जो सारा अमाउंट देना होता वो लायबिलिटीज में आता, अमाउंट पेबल बाय ए बिजनेस। बिजनेस को जो ड्यूज है वो सारा लायबिलिटीज होगा। लायबिलिटीज नॉन करंट भी होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। Payable after 1 year is non-current liabilities and payable within 1 year is current liabilities. Like हम बात करें बैंक से लोन लिया 10 year के लिए, तो इस लोन का पेमेंट आपको 10 साल बाद पेमेंट करना, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। नाउ करंट लाइबिलिटीज यानी पेबल विद इन 1 year, आपने बैंक से लोन लिया 6 month के लिए कि हम 6 month में पेमेंट कर देंगे, तो पेबल विद इन 6 month हो गया, तो करंट लाइबिलिटीज होगा। इससे मैं आपने नोट किया था लायबिलिटीज में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर ओनर को पेमेंट करना तो इंटरनल लायबिलिटीज और बाहर के पर्सन को पेमेंट करना तो एक्सटर्नल। कैपिटल प्रोप्रेटर को देना होता तो इंटरनल लायबिलिटीज होता है, और बैंक लोन बाहर बैंक को पेमेंट करना तो बैंक एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ अकाउंटिंग टर्म असेट्स, यानी असेट्स का मतलब होता प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस। इट इज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो प्रॉपर्टी अपने पास होती, बिजनेस के पास लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वगैरह, जो बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो असेट्स आता है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, नॉन करंट एंड करंट असेट्स। यानी जो असेट्स लॉन्ग टर्म होती है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, जिसको हम रीसेल करने के पर्पज से नहीं, यूज लेने के पर्पज से खरीदते हैं, वो नॉन करंट असेट्स होती है। और आप इससे के अपोजिट थी करंट असेट्स, यानी दोज असेट्स कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 year, जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट होती वो करंट असेट्स होती, लाइक स्टॉक हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे नॉन करंट असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिक्स्ड असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जिन असेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, टेंजिबल असेट्स होती है। इनटेंजिबल असेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको ना हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, लाइक गुडविल, इनटेंजिबल असेट्स होती है। और इस फिक्स्ड असेट्स के बाद हमने पढ़ा था इसी में कि नॉन ट्रेडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपने सरप्लस फंड को इन्वेस्टमेंट किया, बट अगर ये इन्वेस्टमेंट 1 year से ज़्यादा के लिए किया, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगा। ये चारों अकाउंटिंग टर्म्स कल हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है क्रेडिटर। तो बच्चों क्रेडिटर क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। CREDITOR क्रेडिटर, समझना बेटा। आपका जो ये बिजनेस है, जो बिजनेस आप रन कर रहे हो, या कोई बिजनेस के लिए आपको गुड्स परचेज करना था, बिजनेस के लिए मैं गुड्स परचेज करना था, तो हमने एक पर्सन है अजय, ये पर्सन है अजय, हमने अजय से गुड्स परचेज किया। हम अजय के पास गए और अजय को बोला कि मुझे 10,000 का गुड्स परचेज करना, तो हमने अजय से गुड्स परचेज किया 10,000 रुपीज का। अब ये परचेज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप जाओ और आपने अजय को पेमेंट कर दिया, ये पैसा दो और आपने गुड्स ले लिया, और इसी के अपोजिट हमने उसे उधार में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया। हमने गुड्स परचेज किया लेकिन क्रेडिट में परचेज किया, हमने बोला कि
कि गुड्स तो मैं अभी लेके जा रहा हूँ बट पेमेंट आपको 3 महीने बाद करूंगा, ये जो पेमेंट होगा ये पेमेंट मैं आपको आफ्टर 3 मंथ दूंगा। मतलब हमने अजय से गुड्स परचेज किया था तो एक तो परचेज होता कैश परचेज, आप गए पैसा दिया और गुड्स लेके आ गया, वो कैश परचेज होता है। एक होता क्रेडिट परचेज उधार, आपने गुड्स परचेज कर लिया, गुड्स लेके आ गया, आप गुड्स लेके आ गया और आपने बोला कि जो भी पेमेंट है ये पेमेंट मैं आपको आफ्टर 3 मंथ दूंगा, 3 महीने बाद पैसा दूंगा। तो आपने अजय को आफ्टर 3 मंथ पेमेंट करने का प्रॉमिस किया, आपने बोला मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो ये जो आफ्टर 3 मंथ अजय को पेमेंट देना, तो अजय क्या होगा? क्रेडिटर होगा। यानी अगर हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स हमने उधार में खरीदा है, तो जिस पर्सन से परचेज किया उस पर्सन को आपको पेमेंट देना है, तो वो पर्सन आपके बिजनेस के लिए क्या बनेगा? क्रेडिटर बनेगा। हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस अजय को पेमेंट करेगा, तो अजय क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। अब इसमें कुछ समझने वाली बातें जिसके लिए हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको अजय को पेमेंट देना, अजय को पैसा देना, तो ये पेबल है और पेबल का मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटीज हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। सेकंड थिंग, इस लाइबिलिटीज को पेमेंट करना, बट पेमेंट क्या करना आपको? विद इन 3 मंथ करना, आपको 3 महीने में पेमेंट करना। और जिसको विद इन 1 ईयर पेमेंट करना होता है उसको हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज। कि अजय को पेमेंट देना है तो पेबल है, पेबल का मतलब ही लाइबिलिटी है। और पेमेंट क्या करना आपको? विद इन 3 मंथ, 3 महीने में पेमेंट करना, 6 मंथ में पेमेंट करना, तो ये क्या हो गया? करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि आपने पढ़ा था करंट लाइबिलिटीज में पेबल विद इन 1 ईयर, जो 12 मंथ में पेमेंट करना होता है वो करंट लाइबिलिटीज होता है। तो यहां आपने 3 चीजें क्लियर कर ली कि फर्स्ट तो जिस पर्सन से हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं, जिससे हम उधार में परचेज करते हैं, उस पर्सन को हमें पेमेंट देना होगा, और जिस पर्सन को पेमेंट देना होता है क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट में, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। सेकंड थिंग, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटीज। और थर्ड, क्रेडिटर हमेशा करंट लाइबिलिटीज होता है, क्योंकि आपने जब भी गुड्स परचेज किया तो विद इन 12 मंथ आपको पेमेंट करना ही होगा, तो ये हमेशा क्या होगा? करंट लाइबिलिटीज होगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग टर्म था, अकाउंटिंग टर्म नंबर 5, क्रेडिटर। अब मैं सेम इसी मिनट से आपको नया अकाउंटिंग टर्म पढ़ाता हूँ, डेटर। तो बच्चों समझना, जो नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग टर्म होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है हमारा डेटर, DEBTOR, DEBTOR, बी यहां साइलेंट होता है, बी यहाँ साइलेंट होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेटर बोलते हैं, डेप्टर नहीं बोलना, डेटर बोलना आपको। बच्चों ये जो आपका बिजनेस है, इस बिजनेस में कोई पर्सन है विजय, विजय, ये जो पर्सन है विजय, ये आपके यहाँ कस्टमर बन के आया, कस्टमर बन के आया, तो आपने गुड्स इसको सेल किया, हमने इसको गुड्स सेल किया। अब सेल्स के 2 टाइप होते हैं, एक तो आप गुड्स दो और उससे पैसा लो, कस्टमर को आप क्या बोलोगे विजय को? कि गुड्स ले जा और मुझे मेरा पेमेंट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं कैश सेल्स। कैश में जो गुड्स सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं कैश सेल्स, कैश सेल्स। आपने गुड दिया और पैसा लिया तो कैश सेल्स होगा, वो तो पिक्चर तुरंत क्लियर हो जाती है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्रेडिट सेल की, उधार की है। ये विजय गुड्स लेके जा रहा है और बोला कि मैं आपको पेमेंट आफ्टर 4 मंथ पेमेंट करूंगा, 4 महीने बाद आपको पेमेंट दूंगा। कस्टमर विजय आपके यहाँ आता है, आपने गुड्स सेल किया तो वो गुड्स लेके जा रहा, बट उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको आफ्टर 4 मंथ पेमेंट कर दूंगा। मतलब इस विजय से आपको 4 महीने बाद पैसा मिलेगा, आफ्टर 4 मंथ आपको पेमेंट मिलेगा। तो इस विजय को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर। क्या बोलेंगे बेटा? डेटर।
यानी जब आप गुड्स क्रेडिट में सेल करते हो, जब आप गुड्स उधार में सेल करते हो, तो उधार में सेल करने में जिस पर्सन से हमें पेमेंट लेना होता है उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे। क्रेडिटर पहले क्या बोला था? जिस पर्सन ने हमने गुड्स खरीदा है, जिससे हमने गुड्स खरीदा तो हमें क्या करना है? उसको पैसा देना है। जिसको पैसा देना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। और डेटर में हम क्या बोले? हमने गुड्स सेल कर दिया, गुड्स सेल कर दिया तो हमें पैसा लेना है, तो जिस पर्सन से पेमेंट लेना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर होगा। ये बेटा हमारे बिजनेस का इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, ये हमारा बिजनेस का इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? असेट्स। और कौन सी असेट जो क्लियर हो जाएगा, आपको पेमेंट क्या मिल रहा? 4 मंथ में मिल रहा है, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने में, 1 साल में जो कैश में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। तो डेटर में एक चीज क्लियर हो गई, डेटर हमारा असेट्स है और हमारा करंट असेट्स है, क्योंकि ये विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस क्रेडिट सेल में उधार जो सेल किया था, क्रेडिट सेल में जिस पर्सन से पेमेंट लेना होता है उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे। तो दो अकाउंटिंग टर्म हम प्रिपेयर कर लिए, क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर यानी गुड्स उधार में लिया तो पैसा देना, जिसको पैसा देना वो क्रेडिटर है, और अगर हम गुड्स क्रेडिट में सेल किया, उधार में बेचा है तो पैसा लेना है, और जिससे पैसा लेना है उसको हम बोलेंगे डेटर। क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटीज एंड डेटर इज अ करंट असेट्स। नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की हम बात करेंगे, गुड्स। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग टर्म होगा गुड्स। बच्चों गुड्स, गुड्स बिजनेस का प्रोडक्ट होता है जिसमें हम डील करते हैं, जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स। अगर आपके कपड़े का बिजनेस है, हमारे क्लोथ का बिजनेस है, तो हम क्या करते हैं? उस क्लोथ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या उस क्लोथ को हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो उस कपड़े को हमने परचेज किया या मैन्युफैक्चरिंग किया, और फिर इस क्लोथ को, इस कपड़े को हमने आगे सेल कर दिया। हमारा काम है उसको परचेज करना या मैन्युफैक्चरिंग करना, और कस्टमर आए सेल करना। तो हम कपड़े में डील कर रहे हैं, कपड़ा हमारे लिए प्रोडक्ट हो गया, तो वो क्या हो गया? कपड़ा गुड्स हो जाएगा। अगर मेरे फर्नीचर का बिजनेस है तो मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ या फर्नीचर बना रहा हूँ, और इसको वापस क्या कर दूंगा? रीसेल कर दूंगा। तो ये फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया? प्रोडक्ट, यानी इसको मैं क्या बोलूंगा? गुड्स है। अगर स्टेशनरी की शॉप है मेरे, तो मैं स्टेशनरी के आइटम को परचेज कर रहा हूँ और कस्टमर आया उसको सेल कर रहा हूँ, तो स्टेशनरी प्रोडक्ट क्या हो गया? गुड्स हो गया। अगर आपका मेडिकल का बिजनेस है, आपने मेडिसिन परचेज किया और कस्टमर आया उसको सेल कर दिया, तो मेडिसिन जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। यानी जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? गुड्स। एक परफेक्ट लैंग्वेज ये होती है, गुड्स का मतलब वो फिजिकल आइटम जिसको आप परचेज करते हैं या जिसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फॉर द पर्पस टू रीसेल, फॉर द पर्पस टू रीसेल। सर हमने उसको परचेज किया या हमने खरीदा है क्योंकि मुझे आगे रीसेल करना है, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। गुड्स इज अ फिजिकल आइटम विच परचेज और मैन्युफैक्चरिंग विद द पर्पस टू रीसेल। गुड्स इज अ फिजिकल आइटम विच परचेज और मैन्युफैक्चर विद द पर्पस टू रीसेल, कि हमने उसको परचेज किया या बनाया क्योंकि मुझे आगे सेल करना। तो जिस प्रोडक्ट में, जिस आइटम में आप रेगुलर डील करते हैं, जिसको आप खरीदते हैं, जिसको आप परचेज करते हैं क्योंकि आगे मुझे उसको सेल करना है, तो ये अपने आप में क्या हो गया? आपका गुड्स होता जाएगा। तो गुड्स इज अ फिजिकल आइटम विच परचेज और मैन्युफैक्चर विद द पर्पस टू रीसेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टॉक। प्रैक्टिकली ऐसा बोलते हैं कि जो अनसोल्ड गुड्स होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, जो अनसोल्ड गुड्स है उसको बोलते हैं स्टॉक। यानी एक पर्टिकुलर डेट पर जो गुड्स आपके पास पड़ा हुआ उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। पूरे साल भर में हमने 1 लाख का गुड्स परचेज किया, 1 लाख का गुड्स परचेज किया, इसमें से 90,000 का गुड्स आप सेल कर चुके हैं,
ड्यूरिंग द ईयर आपने 1 लाख का गुड्स परचेज किया जिसमें 90,000 का गुड्स आपने सेल कर दिया, तो प्रेजेंटली आपके पास जो गुड्स अवेलेबल, जो गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ, जो अनसोल्ड गुड्स है वो कितना है? 10,000. तो ये जो 10,000 का गुड्स आपके पास अवेलेबल है, इस गुड्स को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक. यानी जो अनसोल्ड गुड्स, या यूं बोल दो जो गुड्स आपके पास एट ए टाइम अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक. बच्चों, स्टॉक के लिए बोलते हैं इट इज हेल्ड बाय बिजनेस विद द पर्पस टू रीसेल. यानी जो बिजनेस के पास पड़ा होता है, जो बिजनेस के पास अवेलेबल होता है विद द पर्पस टू रीसेल, वापस बेचने के पर्पस से जो गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, जो गुड्स आपके पास रखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक. विद द पर्पस टू रीसेल, बेचने के पर्पस से रखा हुआ है. ये स्टॉक दो टाइप का होता है, इसको हम ऐसा बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. बच्चों, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास जो स्टॉक का ओपनिंग डेट होता है, जैसे मैं बात करूं हमारा अकाउंटिंग ईयर, ये हमारा ईयर जैन टू दिसंबर है, 1 जैन 2022, 31 दिसंबर 2020, 1 जैन 2020 से लगा के 31 दिसंबर 2020 है. तो 1 जैन हमारी ओपनिंग डेट हो गई है और 31 दिसंबर हमारी क्लोजिंग डेट हो गई. ये हमारी बिगिनिंग डेट है और ये हमारी एंडिंग क्लोजिंग डेट है. तो बिगिनिंग डेट पर जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका नाम होगा ओपनिंग स्टॉक, और लास्ट डेट पर जो स्टॉक अवेलेबल होगा इसका नाम होगा क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ओपनिंग स्टॉक एंड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज क्लोजिंग स्टॉक. बिगिनिंग में जो होगा वो ओपनिंग स्टॉक और एंड में जो होगा वो क्लोजिंग स्टॉक. तो तीन अकाउंटिंग टर्म आपने एडिशनल पढ़ा था, क्रेडिटर, डेटर, गुड्स और फोर्थ सॉरी स्टॉक. आपने चार अकाउंटिंग टर्म्स अभी इसमें पढ़ा है. अगले वीडियो में मैं आपको परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न समझाऊंगा.